एक ज्वर अगर लगातार एक तरह बुखार आते ही रहता है, तो उस बुखार उतरता ही नहीं है। उस बुखार के अंदर कुछ विशेष दवाइयां हैं, इनको आप देख करके कष्ट को दूर किया जा सकता है। पेट में गड़बड़ है, गड़बड़ की वजह से बुखार आता है तो पल्सेटिला, और जीभ अगर सफ़ेद रहती है, जीभ सफ़ेद है, मैल जमा हुआ है, तो एंटिम क्रूड दें बुखार के साथ में। अगर पेट में कीड़े हैं, और जब आप लेटरिन जाता है तो बच्चे को कीड़े दिखाई देते, कृमि दोष है, तो आप क्रियोजोटम, ट्राइक्यूरियम और आप पेट को डिवॉर्म कर सकते हैं बच्चे को बहुत ही, और सिना का भी प्रयोग कीजिए। सिना बहुत बेस्ट मेडिसिन है, ये पेट के कीड़ों को दूर करेगी, साथ में फीवर को भी उतारें। कई बार एलिमेंथियासिस की वजह से, पेट के कीड़ों की वजह से बच्चों को बहुत बुखार आता है, इसको भी आपने ध्यान करना चाहिए। बच्चे को रोजाना बुखार आता है, बच्चा चिड़चिड़ा है और खिलौनों को तोड़ फोड़ के फेंक देता है, तो स्पिंजीलिया और दवाई स्टेफेसेग्रिया का भी आप प्रयोग करें, तो बच्चा का चिड़चिड़ापन भी और फीवर उतरने में काफ़ी मदद होगी। फीवर आता है और फीवर निचले हिस्से में शरीर के में कम है फीवर, और माथा गर्म है और गले के पास गर्मी है, बच्चा बार बार चिहुकता है, चिमकता है, उछलता है और कूदता है, तो बच्चे को बेलाडोना दीजिए। बेलाडोना दवाई सबसे बेस्ट होती है।